अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। फ्रेंड कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पीके बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह के फजल से आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं आया हूँ चक्की पे और आपको दिखाऊंगा छानना, जिससे गंदम की सफाई की जाती है और गंदम में जो टुंडियां वगैरह होती हैं, ये देखें कचरा वगैरह होता है, और ये देखें अभी ये देखें मिट्टी, जो मिट्टी वगैरह होती है सारी इस छानने के साथ इसकी चार तह होती हैं, इसमें गुंडियां होती हैं और साथ में जो बारीक दाना होता है खत्म शुदा वो निकल जाता है, और साथ में सरसों वगैरह या और कोई जड़ी बूटियां वो अलहदा अलहदा चार खानों में निकल जाती हैं। वो सारी चार खाने आपको दिखाते हैं, और इसके साथ एक ब्लोअर लगा हुआ है जो ये मिट्टी वगैरह होती है या डस्ट वगैरह इसको सारे को बाहर निकालता है। और अभी हम इसके अंदर गंदम ये डाल दिया है, ये देखें ये गंदम सारी डाल दिया, भर गया। अभी हम इसको चलाएंगे, ये सारा प्रोसीजर कैसे कैसे गंदम चार खाने से गुजर के जाएगी ये सारा प्रोसीजर आपको अभी पीके दिखाता है। अभी ये लगा दिया हमने मेन सुराख पे, यहाँ से दाने साफ हो गए हैं, गट्टू लगा दिया। तो ये ये देखें यहाँ से जो अंदर से कचरा वगैरह जो डस्ट निकलती है, ये अंदर उसके अंदर फैन लगा हुआ है, ये फैन के साथ बाहर सारा कचरा जाता है। तो अभी हमारी जो ये मोटर है छानने को, ये 3 हॉर्स पावर की इसको मोटर लगाते हैं, तो छानने में 4 क्वार्टियां 4 तरह की सफाई करता है। तो अगर हम 1 माह दाने इधर साफ करवाते हैं तो उसका 1/2 kg जो आधा किलो है वो उसका गंदम काटेंगे। अगर हम पैसा देना चाहें तो वो 30 रुपए काटते हैं इसके 1 माह दाने साफ करवाने के। तो इससे बेहतरीन दाने मिट्टी डस्ट हर चीज में साफ रहती है, जो कचरा वगैरह होता है जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियां सारियां साफ कर देता है। तो फ्रेंड इसके साथ अपने पीके भाई को जा दें, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।